जी बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और जो रियल मैरिज होता है उसमें क्या फर्क महसूस कर रही हैं आप? सीक्वेंस हो रहा है और आपका गृह प्रवेश भी हो रहा है साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? रियल मैरिज खुशी के साथ होती है, कंसेंट के साथ होती है, खुशी खुशी करते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी शर्तें होती है, जैसे कि मिश्री के आगे बहुत सारी शर्तें हैं, वो मजबूर है इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही है और बिल्कुल भी खुश नहीं है, बस उसे अपने बाबा को बचाना है इसलिए वो कर रही है। और मैरिज तो क्या अपनी बहुत खुशी खुशी होती है, उसमें एक अलग ही फील होती है, बट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में वो बस सजी हुई है एज अ दुल्हन, पर वो दुल्हन जैसा फील नहीं कर रही है बिल्कुल भी, क्योंकि उसे ऑब्वियसली फैमिली में उसे कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि पता नहीं आगे भी जाके वो किसी, मतलब किसी को इम्प्रेस कर भी पाएगी या नहीं, कोई उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, तो ये तो आपको देखने का ही पता चलेगा। हाँ चला तो दूंगी मैं, पर क्या है कि फैमिली जो है मिश्री बबली है पर बदतमीज़ नहीं है, वो बदतमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, स्पेशली बड़ों की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो वो सबके साथ तमीज़ से ही बात करेगी और वो उसका नेचर बहुत अच्छा है, तो वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी किसी के साथ। वो बस अर्जुन के साथ उसका बैंटर ऐसा होता है, बहुत चुलबुली है, तो वो निकलेगा ही, अगर अर्जुन जैसा लड़का उसके सामने होगा तो वो उसको जवाब देगी ही। शो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट है, डबल टीवी लोग देख रहे हैं, तो आपका शो क्यों देखें, इसमें और क्या नया ट्विस्ट आने वाला है वो कुछ बताइए। अभी आपने देखा ही है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला ट्विस्ट आ गया है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, मिश्री तो ये बिल्कुल भी नहीं करती, अर्जुन भी नहीं करता, पर दोनों भी मजबूर है, उसे प्रिया से बचना है, उसे प्रिया से शादी नहीं करनी क्योंकि उसे लगता है कि वो अनु नहीं है, प्लस मुझे अपने बाबा को बचाना है, बाबा जो मेरी पूरी दुनिया है मुझे उन्हें बचाना है और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए, पर मिश्री ने उसके लिए हाँ कर दी और मिश्री ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अभी जो भी होगा आगे देखा जाएगा, पर अभी मुझे मेरे बाबा को बचाना है, बाबा को जेल से छुड़ाना है, तो उसने साइन कर लिया और आगे ये फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं ये तो देखने लायक होगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि मिश्री ही अनु है, यही बात मेरे खुद के पापा भी रियलाइज़ नहीं कर पाती या मैं भी खुद रियलाइज़ नहीं कर पाती हूँ कि हाँ यही मेरे पापा है, जबकि अभी बताया जाएगा कि वही मेरे साथ बहुत नाराज़ है कि वो मुझे कहते कि मैं तुझे माफ़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तूने मेरे अनु के साथ ऐसे किया, जबकि रियल में मैं ही अनु हूँ, तो ये बहुत ही दुख की बात है, बट स्टिल आगे हमें देखने मिलेगा कि वो कैसे रियलाइज़ करते हैं कि वही मेरे असली पापा है और वो भी कैसे रियलाइज़ करते हैं कि मैं ही उनकी अनु हूँ और वो मुझे ही, मैं ही असली ये घर की बेटी हूँ और ये बात किसी को पता नहीं है, तो ये बात बहुत ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आपको बताया जाएगा। एक टीका आपने भी लगा रखा है और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और ये क्या गृह प्रवेश हो रहा है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सीन के बारे में? फर्स्ट ये हम बोलना चाहेंगे थैंक यू आप सबको आने के लिए। यहाँ सिंदूर की कीमत पे कुछ स्पेशल ड्रामा चल रहा है। अर्जुन अवस्थी जो मेरा कैरेक्टर है वो आखिरी इंसान है पूरी दुनिया में जो कोई शादी करने वाला है, पर उसकी मॉम ने उसे इतना प्रेशर कर दिया है इससे शादी करने के लिए कि उसने जाके किसी और से शादी कर ली और अब घर आ गया है। ये साउंड आपको फनी कर रहा होगा पर अगर असली घर के अंदर ऐसा कुछ होता है जो हमारे शो में चल रहा है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और हैवी सीन्स फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को कि ये आजकल जिस जिंदगी में सब कुछ फास्ट चाहिए सबको, तो मैरिज मतलब जो रीति रिवाज से होता है या फिर
हाँ आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आई एम किडिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मार्केट में, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चीज़ नहीं है, आप लोग जाके पूछ लेंगे। तो हमारे शो के अंदर, तो हमारे शो के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन अवस्थी ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है। उसने एक डील करी है एक लड़की के साथ कि आप आपकी सिंदूर की कीमत चुका सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, और एक साल तक आप आइए दादी, दादी प्लीज ज्वाइन अस। तो मिश्री ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है, क्योंकि बोथ पार्टीज ओवर हियर आर गोइंग टू नीड समथिंग फ्रॉम ईच अदर। मिश्री चाहती है कि हम उसके बाबा को बचा लें, और अर्जुन चाहता है कि वो उसके फैमिली प्रेशर से बच जाए। तो दोनों लोगों को खुश करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। सरपंच जी आप बताइए, आपने कितना प्रेशर किया कि बेचारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए उतारू हो गए? नहीं, मतलब वो तो हमारा सपना है था कि भाई इसकी शादी देखें, और इसका सपना था कि ये अन्नू के साथ शादी करे, और अन्नू जो है मतलब जब मिलती है तो वो किसी और से शादी कर लेता, तो मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर अस। मगर हाँ, प्रेशर हम लोग कर रहे थे बिकॉज पहले तो अनु नहीं मिल रही थी, तो वी थॉट कि किसी और से शादी कर लो, मगर कर लो, बिकॉज वी थॉट शी इज नेवर गोइंग टू रिटर्न। तो इसलिए हम लोग प्रेशर डालते थे कि किसी और से कर लो, फिर अनु आई तो ये किसी और से शादी कर लिया, तो इसने क्यों किया? तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो दादी ने डाला है, आई थिंक दादी फील्स इट द मोस्ट। प्लीज कहा था कि मुझे बिलीव है कि वो बच्ची आएगी वापस, तो लेकिन अब हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे दादी? शी लव्स मी ऑब्वियसली, तो मुझे ये पता नहीं है ना कि ये क्या चीज़ है। तो मैं तो इन्हीं को अपनी नातिन मान रही हूँ, और ऑब्वियसली नातिन के साथ जो आपके का जो रिश्ता होता है ब्लड रिलेशन, तो उसकी वजह से एक अलग ही प्यार होता है ना, बेटी के बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है। तो जो असली वाली है उसे तो उसका तो मालूम ही नहीं है कि ये कौन है क्या है जो इससे इन्होंने शादी कर ली है। और सच में हमने सपने देखे थे जब से इस बच्चे को हम लेके आए थे, तभी से हाँ, और जब से पंडित ने बोला था तभी से एक हो जाता ना कि आपका दिमाग में फिक्स हो जाता है कि नहीं हमें ये करना है, ये शुभ है, ये बच्चा हमारे लिए अच्छा है। तो हमने डिसाइड कर लिया था, पर जब हादसा हुआ तो जब हादसा हुआ उसके बाद ये सब हो गया, क्योंकि मैं शुरुआत में नहीं थी इस शो में, तो मुझे बहुत इनिशियल स्टेज का इतना ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन जब मैं आई, जब मैंने इस शो में एंट्री ली, उसके बाद से मुझे ये मालूम पड़ा है कि ये लड़की अनु है हमारी, और मैं चाह रही हूँ कि अनु के साथ ये शादी करें। और इसलिए भी क्योंकि बचपन में इन दोनों ने डिसाइड किया था, बचपन में डिसाइड किया था आप लोगों ने, हमने डिसाइड किया था। हाँ दादी, वो सब हो गया, अब वो आ गए, हमने तोड़ दी शादी, कर ली कहीं और अब ड्रामा कर रहे हैं। अब मैं इनकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ओह माय गॉड, और ये ड्रामा आपको फुल ऑन देखने को मिलने वाला है। यस, आपको कैसा लग रहा है शादी कर ली? मैं तो बहुत रायता फैलाने वाली हूँ अभी तक जो मैंने फैलाया वो बहुत कम था, ट्रेलर था एक छोटा सा, उससे थोड़ा बहुत पब्लिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है और काफी इंजॉय भी कर रही है इस ड्रामे को। और अब और रूप और काफ़ी सारे यू नो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्पाइस देखने को मिलेगा, और तो क्या, बहुत रायता फैलाऊंगी, आप इंजॉय करोगे, बोर नहीं होने वाले हो। की शादी हो रही है और सब ऑलरेडी तैयार है, तो क्या कहना चाहेंगे सिचुएशन के बारे में? मैं यही कहूँगा कि हम लोग सबको मज़ा आ रहा है कि मेरे भाई की शादी हो गई है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि भाभी आ रही है और अभी जितने मेंबर्स थे एक जन और घर में आ गए, सो अभी बताऊंगी तुझे भी। मैं बेसिकली इसीलिए एक्साइटेड हूँ कि जब इनकी शादी होगी उसी के बाद मेरा नंबर आएगा, राइट? सो है कि नहीं दादी? I am a very big planner in the show. So, मैं इसीलिए खुश, you know, plans and planning, plotting ये सब मैं कर रही हूँ, और उसमें ये साथ है मेरे। कि आपने कोई ढूंढ ली है? वो तो मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अच्छा हमारे सामने नहीं बता सकता, क्योंकि दादी और माँ बैठी है ना, शर्म आ रही है। तो अगर अभी मैं बता दूंगा तो मैं आप लोग सबके सामने मार खाऊंगा। अर्जुन तो मार खा चुका है, आप लोग ने प्रोमो में देखा होगा। थैंक यू, थैंक यू। लोग याद नहीं रखते यार, देखिए टीवी का थप्पड़ असली थप्पड़। मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइव मैं आप लोग के सामने मार खाऊ दादी माँ से और अपनी माँ से। थप्पड़ तो हम नहीं मारेंगे, बता सकते। डैड ने मारा था ना मुझे, आपके सामने तो चमेट लगाया था। अरे
हाँ तो थप्पड़ तो पड़े। ये हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है ऑन सेट, जो हम ऐसे एज ए फैमिली रहते हैं, हम कहीं भी बोलते हैं स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं भी बोलते हैं और कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग बताइए, हम लोग यही बैठते हैं, यहीं पे गॉसिप्स होती है हमारी और यहीं पे टाइम स्पेंड, मतलब गॉसिप मतलब हेल्दी गॉसिप। वीडियोस इतने तो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें जितना टाइम मिलता है उस बीच हम जितना कर पाते हैं उतना करते हैं, बिकॉज हमें जितना टाइम मिल पाता है उस बीच एक दो तो बन ही जाते हैं। एक्चुअली हम लोग को डायरेक्ट मौका मिल रहा है, पब्लिक आपके सामने है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए आपके शो को खूब देखें और टीआरपी को बढ़ाएं। गाइस थैंक यू सो सो मच, आई होप आप लोग सब सिंदूर की कीमत देख रहे हैं। ये बस एक छोटा सा टेस्ट था कि हमारी फैमिली के साथ कितना फन होता है। आई होप मंडे टू सैटरडे आप लोग सब ट्यून इन करेंगे टू वॉच सिंदूर की कीमत फॉर अ ग्रेट एंटरटेनिंग एंड अ ड्रामेटिक शो। प्लीज़ आप सब हमारे शो को देखिए, इतना ही प्यार दीजिए जितना अभी दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा दीजिए। और हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। हम लोग सच में घर सिर्फ चार या पाँच घंटे के लिए जाते हैं, वापस सेट पे आ जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको टेलीकास्ट दिखाना है, रुकना नहीं है, और हमारी मेहनत आपके लिए है, तो प्लीज़ हमें अपना प्यार दीजिए, कृपया करके इस शो को उतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू, अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। की कीमत मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन दंगल रात के 9 बजे, राइट? ओके सर, थैंक्स।